देखिए, आपको अगर संविधान टटोलना हो, अगर आप संविधान टटोल कर देखें और आरक्षण की उस समय की क्या बात थी, तो एक सीमित था, एक समयबद्ध था। जब आरक्षण की कल्पना की गई तो उस आरक्षण की कल्पना में समय सीमा भी निश्चित थी कि इतने समय सीमा तक ये आरक्षण है, और उस समय सीमा को फिर बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे। आरक्षण पर जो व्याकुलता कई बार दिख रही है, उसमें एक शब्द से आप नकार नहीं सकते। पता लगा कि वो क्रीमी लेयर तक पहुंचा है, तो क्रीमी लेयर आरक्षण है भाई, इसने तो व्याकुलता पैदा की है। तो आरक्षण का जो लाभ है वो एक क्रीमी लेयर तक पहुंचा, ये आंकड़े हैं। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो दीन है, विकल है, व्याकुल है, दलित है, शोषित है, अथवा आर्थिक रूप से दुर्बल है, वो किसी भी जाति में, एक विशेष प्रकार की जाति में ही तो दौर्बल्यता नहीं है ना, वो दौर्बल्यता अथवा असहाय अवस्था वो सब जगह। आरक्षण का अर्थ ये नहीं कि किसी जाति व्यक्ति को आरक्षण करते, दुर्बल व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना। अब बच्चों के माता पिता तनाव ग्रसित है, चूंकि ये अध्ययन व्यवसाय के लिए है, स्पर्धा का युग है, अपने हित के लिए इस अध्ययन ने आत्म केंद्रित किया है व्यक्ति को, अध्ययन लोक कल्याण के लिए भी है। तो जो अध्ययन समग्र विकास के लिए होना चाहिए, वो ना होकर हमारा एक दिशा में है, तो वो पूरी पढ़ाई नहीं हो रही है। वो पूरा कोई, मैं कोई ऐसे प्रशंसा नहीं कर रहा, जैसे हमारे लर्न बाय फन के ये जो बैठे हैं हमारे भाई आदरणीय पुरुषोत्तम जी, इनकी शैली में मैंने देखा कि एक समग्रता है जिसमें संस्कारों की बात आए, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात आए, हल्की फुल्की चीजें आए। आपके पास से मैं सहमत हूं कि वो रट्टा तक के लिए एक और डिग्री ले लें, डिग्री तक के लिए। अरे पिछले साल एक लड़की 12th में इसने टॉप किया सीबीएसई से पूरे भारत को, उस लड़की को स्टीफन में जगह नहीं मिली, क्योंकि वहां के जो परीक्षा जिसमें पास नहीं हो सकी वो। तो बहुत ही ग्लैमर कर दिया हमने, क्या ग्लैमर खड़ा कर दिया है इसमें शिक्षा के गलियारे में, यहाँ थोड़ी सहजता की जरूरत।